नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय समाज की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और यह भारतीय समाज की विशेषताओं का पार्ट टू है। इसके पहले पार्ट वन अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर RTET यानी कि रिट की तैयारी करवाई जा रही है और रिट की तैयारी के अंतर्गत सबसे पहले हमने शुरू किया है लेवल टू का सब्जेक्ट SST और SST के हम यूनिट वन के चैप्टर वन सिंधु घाटी सभ्यता और चैप्टर टू वैदिक सभ्यता को डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ही सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लेक्चर 14 के अंतर्गत भारतीय समाज की विशेषताएं देखने वाले हैं और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पिछले जो वीडियो है पार्ट वन में हमने समाज का अध्ययन कर लिया था, समाज की परिभाषा देखी, समाज की विशेषताएं भी देखी थी और समाज व एक समाज में हमने अंतर भी देखा था और भारतीय समाज की संरचना के बारे में भी हमने पढ़ा था पार्ट वन में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज भारतीय समाज की विशेषताएं। तो भारतीय समाज की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है प्राचीनता व स्थायित्व। भारतीय समाज के प्राचीनता व स्थायित्व की बात करें तो भारत की संस्कृति और समाज व्यवस्था जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्थाओं में से एक है और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारत की जो आदि संस्कृति है और समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं, आज भी पवित्र वैदिक मंत्रों का तन्मयता के साथ यज्ञ और हवन के समय ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया जाता है और इसके अलावा आज भी विवाह जो है वैदिक रीति से होता है। गांव पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी विद्यमान है। गीता, बुद्ध और महावीर के उपदेश आज भी इस देश में जीवित हैं और जागृत हैं और इसके अलावा भारतीय जीवन के मूल आधार आज भी वही हैं जो प्राचीन भारत में थे। तो इससे हमें पता चलता है कि भारतीय समाज की विशेषता सबसे पहला है प्राचीनता व स्थायित्व। दूसरे नंबर पर है सहिष्णुता। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक महान विशेषता है इसकी सहिष्णुता। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता, प्रेम भाव पाया जाता है, किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं है। तो ये एक विशेषता हो गई भारतीय समाज की। थर्ड नंबर पे है समन्वय। समन्वय क्या है? भारतीय समाज एवं संस्कृति की उदार व सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शाख, हून, सीथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि उसमें समन्वय एवं एकता ही स्थापित हुई है। तो ये भी समन्वय भी हमें भारतीय समाज की विशेषता ये देखने को मिलता है समन्वय। चौथा है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद क्या? भारतीय समाज एवं संस्कृति में अध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है। भौतिक सुख और भोग लिप्सा कहीं भी कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है और शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज व संस्कृति की आत्मा है। इसमें भोग और त्याग का सुंदर समन्वय पाया जाता है। इसके अलावा अध्यात्मवाद ने ही सहिष्णु प्रवृत्ति को जन्म दिया है। तो चौथी विशेषता हो गई भारतीय समाज की अध्यात्मवाद। नेक्स्ट है पांचवी, धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज एवं संस्कृति जो है धर्म प्रधान है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप भी दिखाई देती है। प्रत्येक भारतीय अपने जन्म से मृत्यु तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है। तो पांचवी जो विशेषता हो गई भारतीय समाज की वो हो गई धर्म की प्रधानता। छठी विशेषता है अनुकूलनशीलता। भारतीय समाज एवं संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूल जो अनुकूलनशील प्रकृति है इसका महान योगदान है। इसमें समय के साथ परिवर्तन होने की अद्भुत क्षमता भी है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म, संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रहती हैं। यही कारण है कि उनका जो है विघटन और पतन होने की अपेक्षा क्या हुआ, इसका जो रूप है वो परिवर्तित होता रहा और वह नष्ट होने से बच गई। तो छठी विशेषता हो गई अनुकूलनशीलता। नेक्स्ट है वर्णाश्रम।
वर्णाश्रम की बात करें तो भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक विशेषता है वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था। भारतीय समाज की क्या एक विशेषता है? वर्ण और आश्रम की व्यवस्था। समाज में श्रम विभाजन हेतु चार वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गई। जो ब्राह्मण हैं वो बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक हैं, तो क्षत्रिय जो हैं वो शक्ति के प्रतीक हैं। यहाँ पर जो वैश्य हैं वो भरण पोषण अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, और जो शूद्र हैं वो अन्य सभी वर्णों की सेवा करते हैं। सभी वर्णों के अधिकार एवं कर्तव्यों का भारत में सुंदर समन्वय पाया जाता है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष मानकर उसका चार आश्रमों में समान रूप से विभाजन किया है। वो चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जहाँ वर्ण व्यक्तियों के बीच कार्य विभाजन को प्रकट करते हैं, वहीं जो आश्रम है ये मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। वर्ण और आश्रम दोनों ही जीवन की समस्याओं व जीवन दर्शन पर निर्भर हैं, और आश्रमों का उद्देश्य जो है वो मानव के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति करना है, जो कि व्यक्ति का सामाजिक व व्यवहारिक जीवन संभव बनाते हैं। तो एक इसकी विशेषता हो गई भारतीय समाज की वर्णाश्रम की व्यवस्था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कर्म एवं पूर्ण जन्म का सिद्धांत। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति में कर्म को महत्व दिया गया है, और यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। भारत में व्यक्ति की आत्मा को अजर अमर भी माना गया है। मरने के बाद वह पुनः किस योनि में जन्म लेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। सभी भारतीय शिक्षित, साक्षर, निरक्षर ये जानते हैं तथा मानते हैं कि शरीर जो है वो नश्वर यानी कि नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वह अमर है, और शरीर पर धारण किए पहने जो जाने वाले वस्त्रों की भांति ही मृत्यु उपरांत आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। कर्म एवं पूर्ण जन्म का सिद्धांत भारतीय समाज में व्यक्ति को नई दिशा प्रदान करता है, उसे समाज द्वारा निर्धारित दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रेरित करता है। अब बात करें कर्म शब्द की, तो जो कर्म शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना, व्यापार अथवा हलचल या गतिविधि। अर्थात मनुष्य जो कुछ भी करता है वह कर्म है। सीधी सरल भाषा में बोले तो मनुष्य जो कुछ भी करता है वह क्या है? कर्म है। कर्म का संबंध संस्कृत भाषा के शब्द कर्मन से है। कर्म का जो संबंध है वो संस्कृत भाषा के शब्द कर्मन से है, जिसका अर्थ है कर्तव्य, कार्य, क्रिया, कृत्य या देव से है। इस संदर्भ में कर्म का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो मनुष्य अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में करता है। अब बात करें भारतीय समाज में कर्मों के प्रकार की, तो भारतीय समाज में तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान या संचयमान कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं? तो वे कर्म जो व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म में किए गए हैं, वो कौन से कर्म है? संचित कर्म है। अब बात करें प्रारब्ध कर्म की, तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल जो व्यक्ति वर्तमान जन्म में भुगत रहा है वो क्या है? प्रारब्ध कर्म है। और अब बात करें क्रियमान कर्म की, तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान जन्म में जो कर्म किए जा रहे हैं, जिनका संचय वह अब कर रहा है, ये उसके कौन से कर्म है? क्रियमान या संचयमान कर्म है। व्यक्ति का अगला जन्म अर्थात पुनः जन्म इन्हीं संचित या क्रियमान कर्मों पर निर्भर करता है। भारतीय समाज की अगली विशेषता है सर्वांगीणता। सर्वांगीणता की बात करें तो भारतीय समाज में संस्कृति की एक विशेषता यह है कि इसका संबंध किसी जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि समाज के सभी पक्षों से है, और इसके निर्माण में राजा, किसान, मजदूर, शूद्र व ब्राह्मण, शिक्षित व अशिक्षित, देशी व विदेशी सभी लोगों तथा विभिन्न धर्मों एवं महापुरुषों सभी का योगदान इसमें रहा है। तो एक विशेषता हो गई इसकी सर्वांगीणता। और अगली जो विशेषता है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के चार प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। ये चार लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें ही चार पुरुषार्थ माना गया है, और पुरुषार्थ व्यक्ति को समाज में अनुशासित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। अब बात करें पुरुषार्थ के अभिप्राय की, तो पुरुषार्थ का अभिप्राय उद्यम अथवा प्रयत्न करने से है, और
पुरुषेत्थर्थे पुरुषार्थ अर्थात अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना क्या है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य हैं और अंतिम लक्ष्य अथवा सर्वोच्च अभिष्ट जीवन का मोक्ष प्राप्त करना है। इसके प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ माध्यम है। उपनिषदों में और गीता स्मृतियों में भारतीय समाज में व्यक्ति के चार मूलभूत कर्तव्य या दायित्वों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? वो हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म की बात करें तो धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा देते हैं। और इसके अलावा यहाँ धर्म का अभिप्राय धार्यते इति धर्म से है, अर्थात धार्यते इति धर्म का अर्थ क्या होता है? जीवन में जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है। जीवन में जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है। धर्म का तात्पर्य अंधविश्वास, रूढ़ी या भाग्य से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ इस किससे नहीं है? अंधविश्वास, रूढ़ी या भाग्य से नहीं है। धर्म जो है वो आचरण पर जोर देता है। धर्म आचरण संहिता के रूप में व्यक्ति को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इसके अलावा आत्मसंयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध तथा कर्तव्य पालन आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा धर्म प्रदान करता है। धर्म व्यक्ति के साथ समाज को उन्नति में योगदान देने वाले सभी गुणों एवं कर्तव्यों के पालन को भी प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा धर्म आदेश देता है कि व्यक्ति दैनिक जीवन में पंच महायज्ञ करे जिससे वह पंच महाऋणों से ऊर्ण हो सके। इसके अलावा भारतीय समाज में धर्म को एक पुरुषार्थ मानकर धर्म अनुसार आचरण पर बल दिया गया है। तो ये तो देखा हमने धर्म को। अब जो दूसरा पुरुषार्थ है वो है अर्थ। अर्थ की बात करें तो अर्थ के अंतर्गत वे साधन, संपत्ति अथवा धन हैं जिनके माध्यम से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। भारतीय समाज परंपरा में अर्थ जीवन को चलाने का एक साधन है, साध्य नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय समाज परंपरा में अर्थ जो है जीवन को चलाने का एक साधन है, साध्य नहीं है। इसके अलावा बी जी गोखले अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन थ्रॉट टू द एजेस। अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं जो परिवार को बसाने, गृहस्थी को चलाने एवं विभिन्न धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं। चलिए अब बात करते हैं काम की। तो काम का अभिप्राय सभी प्रकार की इच्छाओं अथवा कामनाओं से है। काम का क्या अभिप्राय है? सभी प्रकार की इच्छाओं अथवा कामनाओं से। इसके माध्यम से समाज की निरंतरता को बनाए रखना संभव होता है और यह मानव की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष की बात करें तो बौद्ध इसे निर्वाण तथा जैन इसे कैवल्य के नाम से संबोधित करते हैं। जैसा कि आपने फिलॉसफी वाले मेरे वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने बौद्ध धर्म को और जैन दर्शन को पढ़ा है डिटेल में, तो उसमें बात करी थी हमने। तो बौद्ध इसे क्या कहते हैं? मोक्ष को निर्वाण, और जैन जो है वो इसे क्या कहते हैं? कैवल्य। यह जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम पुरुषार्थ है। कौन सा? मोक्ष। मोक्ष जो है जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम पुरुषार्थ है। और मोक्ष का तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश। मोक्ष का क्या तात्पर्य है? हृदय की अज्ञानता का नाश। मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के रूप में माना गया है। जीवन मुक्ति अर्थात संसार में रहते हुए संसार के कष्टों से छुटकारा पाना और तथा तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। और विधेय मुक्ति की बात करें तो विधेय मुक्ति का अभिप्राय है जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में तीन मार्ग बताए गए हैं। तीन मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। अब बात करें कर्म मार्ग की, तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित कर कहा है कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के धर्म अनुसार आचरण करता है वह कर्म करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो ये तो हो गया कर्म मार्ग। अब बात करें ज्ञान मार्ग की। व्यक्ति ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप को अपने मन में, विचारों में धारण कर लेता है और वह सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता है तथा सुख दुख
हानि लाभ जन्म मृत्यु आदि से अप्रभावित रहते हुए सम स्थिति में रहता है। तो ये क्या हो गया, ज्ञान मार्ग। नेक्स्ट है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की बात करें तो जब व्यक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की शरण में चला जाता है और अपने को पूर्णतः समर्पित कर देता है, वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ये हो गया भक्ति मार्ग। तो इस तरीके से हमने तीन मार्ग देख लिए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने ये भारतीय समाज की 10 विशेषताएं देखी हैं। 10 विशेषताओं में हमने आज बात करी प्राचीनता व स्थायित्व की, सहिष्णुता की, समन्वय की, अध्यात्मवाद की, धर्म की प्रधानता, अनुकूलनशीलता, वर्णाश्रम, कर्म में पूर्ण जन्म का सिद्धांत, सर्वांगीणता और पुरुषार्थ। तो ये 10 विशेषताएं आज हमने भारतीय समाज की देखी हैं। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम ऋण तथा यज्ञ, संस्कार, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और विविधता में एकता, ये वो जो टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं भारतीय समाज की विशेषताओं के, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट थर्ड आएगा उसमें कवर कर लेंगे। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें, और पास में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा उसे भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगी मैं, जिसमें बाकी के जो टॉपिक्स हैं भारतीय समाज की विशेषताओं को उनको कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।